गाइज, हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोग को लेके जाने वाली हूँ एक छोटे से फूड और शॉपिंग टूर पे, विच आई डिड इन पुरी, जब मैं यहाँ पे दो दिन के छोटे से वेकेशन पे गई थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइज। बट अगर वीडियो अच्छे लगे देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सो गाइज, ये जर्नी स्टार्ट होती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से टाटा नगर जंक्शन तक। सबसे पहले टाटा नगर जंक्शन पहुंचने के बाद में सबसे पहले मैं पहुंच गई मेरे नानी के घर थोड़ा सा चिल करने के लिए। एंड वहाँ मुझे जाके पता चला कि मेरे छोटे मामा के छोटे बेबी मिस्टर मोंटू का होना है मुंडन। एंड दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू टेक अ शॉर्ट रोड ट्रिप टू पुरी। एंड इन बिटवीन हम लोग रुके काफ़ी सारी लोकल रिकमेंडेड शॉप्स पे। सो स्टे ट्यून्ड गाइस एज आई एम गोइंग टू शो यू एवरीथिंग। एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। एक है चिनिया केला, वो छोटे छोटे टाइप के केले होते हैं और वो थोड़े से खट्टे मीठे टाइप के होते हैं। और दूसरा है छेना पूड़ा। छेना पूड़ा इस काइंड ऑफ अ स्वीट डिश और जिसकी शॉप मेरे पीछे ही है। छेना पूड़ा तो छेना पोड़ा बनता है छेना यानी कि पनीर, शुगर और इलायची को मिला के, और इसका जो टेस्ट होता है बहुत ही शुगरी होता है, बट इसके साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और कहा जाता है कि ये जगन्नाथ भगवान का सबसे फेवरेट स्वीट है, तो ये आपको उड़ीसा भर में बहुत जगह पे आसानी से मिल जाएगा। एंड देन ऑन दी गो आई पिक अप सम चीनिया केला, क्योंकि मुझे पता था कि इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बनानाज आई एवर हैड, वे मोर डिफरेंट देन जैसे हम लोग यूजुअली खाते हैं। सो अ क्विक पानीपुरी स्टॉप गाइज, क्योंकि हमें यहाँ पे एक पानीपुरी वाला दिख गया एंड हम लोग आपको रोक नहीं पाए बिकॉज द पानीपुरी लुक्स रियली रियली टेम्प्टिंग। तो यहाँ की पानीपुरी का जितना ज़्यादा चटपटा आलू था, सॉरी मैं उसका पिक्चर लेना भूल गई, उतना ही ज़्यादा यमी था यहाँ का पानी, क्योंकि वो बना था सीधा इमली और आम को मिला के। सो वी जस्ट ट्राइड दी मोस्ट ऑसम पानीपुरी गाइज, वो भी 10 रुपये में साथ, कैन यू बिलीव इट। और इसका टेस्ट इतना ज़्यादा डिफरेंट है, वे मोर डिफरेंट देन जैसा कि मैं नोएडा और दिल्ली में खाती हूँ। तो अगर आप लोग पूरी या फिर उड़ीसा साइड में कहीं से भी आए तो यहाँ का पानीपुरी तो ज़रूर टेस्ट करना। वी हैव रीच कटक और कटक से पुरी अभी भी 60-70 किलोमीटर दूर है। एंड हम लोग जब यहाँ से कार से गुजर रहे थे तभी हम लोग को ये वाली स्वीट शॉप दिखी और मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि हमें बाहर ही बैठ के सब लोग यू नो स्वीट्स बना रहे थे और इसकी जो पैकेजिंग के लिए ये लोग मटका यूज़ करते थे। एंड देन मुझे लगा कि यार एक बार अगर हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोग को ये ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। सो लेट्स चेकआउट कि इसमें इतना स्पेशल क्या है। तो गाइज, इन शॉप्स में मिल जाएगी आप लोग को इतने सारे वैरायटी के रसगुल्ले जो कि मैं आप लोग को एक वीडियो में दिखा भी नहीं सकती। यहीं पे बाहर में आप लोग को दिख जाएगा कि ये लोग बिल्कुल फ्रेश छेना लेके आते हैं और यहीं पे बैठ के प्रिपेयर करते हैं। इसमें आप लोग को वैरायटी में मिल जाएंगे बहुत सारे गुड़ वाले रसगुल्ले, बहुत सारे शुगर वाले, एंड इसमें सिरप्स के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। एंड ये लोग बिल्कुल फ्रेश और गर्मा गर्म सर्व करते हैं। वेरी वेरी हॉट, तो इसके बाद हमें पूरी पहुंचते पहुंचते काफी रात हो गई थी, तो हम लोगों ने सीधा जाके रात को होटल में चेक इन किया। एंड देन नेक्स्ट डे हमने स्टार्ट किया जगन्नाथ पुरी के दर्शन और मोंटू के मुंडन से, जिसके डिटेल्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाने जा रही हूँ। एंड देन उसके बाद हम लोग पहुँच गए एक लोकली रिकमेंडेड साउथ इंडियन स्पॉट पे फॉर डूइंग अ रियली नाइस साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी रियली नाइस एंड पॉकेट फ्रेंडली। सो वी आर एट दीपू किचन राइट नाउ। यहाँ की इडली डोसा, इनका पूरा का पूरा साउथ इंडियन मेन्यू बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे इडली का प्राइस स्टार्ट हो रहा है सिर्फ ₹20 से। सो इस शॉप की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये लोग सब कुछ सांभर, चटनी, डोसा, इडली, वट एवर यू वॉन्ट, ये लोग बिल्कुल सामने के सामने प्रिपेयर करके दे रहे थे। देन आई ऑर्डर 1 प्लेट ऑफ इडली एंड 1 प्लेट डोसा, जो कि उन्होंने मुझे फ्रेशली सामने के सामने प्रिपेयर करके दिया।
एंड फाइनली आफ्टर हैविंग द इडली एंड डोसा ऑनेस्टली आई विल बी सेइंग कि मैं इसके टेस्ट को रेट देना चाहूँगी 7 to 7.5. इडलीज वर सॉफ्ट और डोसा भी काफ़ी क्रंची था, बट उसका जो यू नो खट्टापन होता है एक साउथ इंडियन डिशेज में वो थोड़ा सा मुझे इसमें कम लगा. बट स्टिल एनी टाइम यू गाइज वॉन्ट टू ईट सम अफोर्डेबल नाइस साउथ इंडियन फूड यू कैन डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस. एंड इसके बाद हम लोग निकल पड़े चिल्का लेक के लिए टू स्पॉट सम डॉल्फिन. एंड अगर आप लोगों को ये जाना है कि हमें डॉल्फिन दिखी या नहीं, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग. एंड चिल्का लेक से लौट के हम लोग सीधा पहुंच गए स्वर्ग द्वार मार्केट, जिसे कहा जाता है कि दिस इज़ वन ऑफ द मेन मार्केट्स इन पुरी, जहाँ पे आप लोग शॉपिंग से लेके खाने की वैरायटीज़ में काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं. एंड जब भी आप लोग यहाँ पर हो, वन थिंग दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई इज दिस स्वीट डिश कॉल्ड खाजा. खाजा को बनाने के लिए व्हीट फ्लोर या फिर मैदा का इस्तेमाल किया जाता है, उसको बहुत सारे लेयर्स में करके उसे बेला जाता है, देन उसे डीप फ्राई करते हैं, एंड देन लास्टली उसे हम लोग चाशनी में डालते हैं. एंड ये आपको यहाँ पे बहुत जगहों पे मिल जाएगा क्योंकि ये एज अ प्रसाद जगन्नाथ भगवान को भी चढ़ाया जाता है. इसी मार्केट में आप लोगों को मिल जाएगी बहुत सारी हैंडलूम की शॉप्स, जहाँ पे आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ के लोकल प्रिंट्स इन कुर्ता कुर्तीज साड़ीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मैंने भी यहाँ पे काफी सारे प्रिंट्स देखे, जैसे कि मैं आप लोग को थोड़े बहुत दिखा पा रही हूँ. यहाँ पे आप लोग साड़ीज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं फ्रॉम अ मिनिमम प्राइस ऑफ 200 रुपीज अप टू ₹20,000. एंड यहाँ की लोकल स्पेशलिटीज में यहाँ के लैंटर्न्स और आते हैं यहाँ के लोकल हैंडीक्राफ्ट्स. ऑब्वियसली क्योंकि पूरी बसा हुआ है समंदर के किनारे, तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के शंख. और क्योंकि ये जगन्नाथ भगवान जी का घर है, तो यहाँ पे आप लोग को ऑब्वियसली मिल जाएंगे जगन्नाथ भगवान जी अपनी बहन सुभद्रा और अपने भाई बलराम जी के साथ में एज अ सुविनियर, अगर आप लोग कभी भी दर्शन करने के बाद में अपने साथ लेके जाना चाहें. So guys, this is it for today's video. Next vlog में आप लोग को ले जाने वाली हूँ जगन्नाथ पुरी के दर्शन के लिए. उसके बाद हम लोग जाएंगे चिल्का लेक फॉर स्पॉटिंग सम डॉल्फिन्स. एंड देन लास्टली हम लोग अगर पुरी गए और वहाँ पे हम लोग समंदर किनारे नहीं गए तो ऐसा कैसे हो सकता है. तो आई एम गोइंग टू टेक यू गाइज टू फ्यू बीचेस एज वेल. सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. बाय.